नमस्कार, आप दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक चुनावी रैली में कहा, जब तक मोदी जिंदा है कोई भी दलितों व आदिवासियों का आरक्षण नहीं छीन सकता। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा, कोई भी ताकत लग जाए राज्यसभा से इस्तीफा नहीं दूंगी, सांसद ही छोटी बात प्यार से मांगते तो जान दे देती। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रधानमंत्री मोदी से अपील, कहा आप मेरे बुजुर्ग और बीमार माता पिता को क्यों निशाना बना रहे हैं, मेरी माँ कई बीमारियों से पीड़ित है, पिता को सुनने में दिक्कत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा, लोकसभा चुनाव के शुरुआती 5 चरणों में भाजपा को 310 सीटें मिलेंगी, कांग्रेस 40 सीटों का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी, सपा को 4 सीटें भी नसीब नहीं होगी। मालीवाल मारपीट कांड में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के माता पिता से होने वाली पूछताछ फिलहाल टल गई है, दिल्ली पुलिस आज केजरीवाल के आवास पर पूछताछ के लिए पहुंचने वाली थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल, यह प्रदेश बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 क्यों है, क्या प्रधानमंत्री और भाजपा ने कभी हरियाणा के युवाओं के लिए बेहतर अवसर पैदा करने की कोई योजना बनाई है। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने अपने पोते एवं कर्नाटक के हासन से सांसद प्रज्वल रवेना को भारत लौटने और यौन शोषण के आरोपों पर जांच का सामना करने के लिए कहा, देवेगौड़ा बोले प्रज्वल को दोषी पाए जाने पर कानून के तहत सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने कहा, ठाणे जिले में रसायन फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल, 20 लोगों को बचा लिया गया है। पीएम मोदी ने कहा, हरियाणा में राम राम के बिना कोई काम नहीं होता, लेकिन कांग्रेस का बस चले तो ये हरियाणा में राम का नाम लेने वालों को ये गिरफ्तार कर लें, कांग्रेस पूरे देश से ही राम को हटाना चाहती है। बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे एक तूफान के भीषण चक्रवात में तब्दील होने की, 26 मई को पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के तट पर पहुंचने की संभावना, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मेदिनीपुर के कई इलाकों में भारी बारिश के आसार। चीन और ताइवान के बीच बढ़ा तनाव, एक और युद्ध छिड़ने की आशंका, ताइवान ने तैनात की सुपरसैनिक मिसाइलें, अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज के जवान हाई अलर्ट पर हैं, आशंका है कि चीन जून के शुरुआत में चीन ताइवान में घुसपैठ कर सकता है। प्रतापगढ़ में अखिलेश यादव की चुनावी रैली में शामिल हुए राजा भैया, जनसत्ता दल के कार्यकर्ता भी हुए शामिल, अखिलेश ने राजा भैया का नाम लिए बिना कहा, जो नाराज थे अब तो उनका भी समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस साफ तो साथ है ही, SP सिंह पटेल का जीतना भी तय। राजस्थान के उदयपुर जिले के सोयरा कस्बे में परिवार ने किया जिंदा बेटी का मृत्यु, बेटी ने घर से भागकर किया था अंतरजातीय विवाह, बेटी के पहचानने से इनकार करने पर आहत हुआ था पिता। महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायक TN पाटिल का कोल्हापुर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया, कोल्हापुर जिले के करवीर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पाटिल को रविवार को अपने घर के बाथरूम में गिरने के बाद सिर में गंभीर चोट लगी थी। असम के लखीमपुर में मोबाइल फोन चुराने के एक आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद तनाव फैल गया, खेलमती इलाके में लोगों ने प्रदर्शन किया, अधिकारियों ने बताया कि घटना के संबंध में 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। राजस्थान के करौली जिले के मासलपुर थाना क्षेत्र में एक कार के पलटने के बाद उसमें आग लग गई, पुलिस ने बताया वाहन में सवार मध्य प्रदेश निवासी अंकित द्विवेदी की जिंदा जलने से मौत हो गई, हादसे में 2 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और IPL करियर को अलविदा कहा, कार्तिक ने अपने 20 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर में भारत के लिए 26 टेस्ट, 94 एक दिवसीय मैच और 60 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। BSE सेंसेक्स 1197 अंक छलांग लगाते हुए रिकॉर्ड 75,418 अंक पर हुआ बंद, NSE निफ्टी भी 370 अंक उछल कर 22,968 अंक पर हुआ बंद। मनोज वाजपेयी की एक्शन फिल्म राजा भैया कल सिनेमाघर में हो रही है रिलीज, इसके अलावा द हिस्ट 12x12 और डब फिल्म लाल सलाम भी कल होगी रिलीज। राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत का बॉक्स ऑफिस पर रहा कमजोर प्रदर्शन, 13 दिनों में किया 30.55 करोड़ रुपए का कलेक्शन, फिल्म के लिए राजकुमार राव की एक्टिंग की हो रही है तारीफ। ये थे आज की फटाफट बुलेटिन, और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।